हाय फ्रेंड्स, पिस्टन पावर राइट ओवर चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी इस वीडियो में अपन देखेंगे फॉर ऑल टीवीएस मॉडल्स कार्बोरेटर ट्यूनिंग स्पेसिफिकेशन BS3। ये BS3 इमिशन नॉर्म्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली कार्बोरेटर की क्या सेटिंग होनी चाहिए बेटर एवरेज के लिए। बेहतर एवरेज पाने के लिए कार्बोरेटर को कैसे सेट करने का है, अपने को कौन से आरपीएम पे और जो एयर और मिक्सचर का स्क्रू है उसको कितना टर्निंग देने का है, बेसिकली वही इस वीडियो में है। तो अभी आप देखिए, ये मॉडल है, यहाँ पे जो भी TVS के मॉडल है सब मॉडल है ये इधर दिए हुए हैं वन बाय वन। उसके बाद है आरपीएम, आरपीएम कितने को सेट करने का है अपने को, वो दिया है। RPM मतलब आइडलिंग का सेटिंग। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट की है एयर स्क्रू है, एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू भी इसको कहते हैं। तो उसको कितने में सेट करने का है, उसको कितना टर्न करने का है बेटर एवरेज के लिए, उसकी वैल्यू ये दी है। तो अभी देखिए मॉडल के हिसाब से, पहले RTR 160 मतलब अपाची, RTR 160 माने अपाची 160 180 दोनों का भी सेम है। तो आइडलिंग RPM है यहाँ पे 1300 और 1500 के बीच में है, और उसका एयर फ्यूल मिक्सचर का जो टर्निंग है वो तीन है, तीन तक उसको टर्न देने का है। उससे क्या होगा, गाड़ी अच्छा एवरेज देगी। और ये सब जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड है, TVS कंपनी की स्टैंडर्ड वैल्यू है। कंपनी के मतलब क्या, वो जो सर्विस सेंटर वगैरह जो है उनके हिसाब से ये वैल्यूज स्टैंडर्ड रहती है सभी के सभी। अभी ये इसको टर्न वगैरह कैसे सेट कैसे करने का, अभी ये जो तीन बोला है तो कैसे टर्न करने का, उसका ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पे बनाया हुआ है, तो आप देख लीजिए। या फिर इसके ये जो वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा भी बताऊँगा नहीं, उसका वीडियो पहले से बनाया हुआ है इसको तीन तक कैसे सेट करने का, और जो भी ये वैल्यू दिया हुआ है तो आप वो देखकर आपको पता लग सकते हैं। अभी देखते हैं फोनिक्स, फोनिक्स का दोस्तों है 1300-1500 के बीच, और ये है 1/4 है, सॉरी ये है हो गया 1/4। अभी 1/4 मतलब क्या है, तो अभी देखिए इधर मैंने आपको समझ आए इसलिए स्क्रू का एक डायग्राम बनाया है। वहाँ पर आप देखिए ये 1 है, 1 के बाद आप जैसे टर्न करेंगे इधर तक आ गया 1/4, तो वही वैल्यू है 1/4 मतलब 0.25। उसके बाद और टर्न करेंगे तो ये हाफ टर्न हो जाएगा, ये देखिए 0.5। उसके बाद और ऊपर जाके टर्न करेंगे इधर तक तो हो गया 1.25 मतलब 0.75। और क्रैंक करेंगे तो पूरा एक टर्न हो जाता है, इसको पूरा टर्निंग कहते हैं। तो ये आप देख लीजिए 1/4 मतलब सवा भी कहते हैं उसको, सवा आधा पौना, सवा आधा है और ये पौना है, तो इस तरह से वो टर्निंग है। अब ये देख लीजिए स्टार सिटी, उसका भी सेम RPM है 1300 और 1500 के बीच, 1 × 3/4 प्लस और माइनस हाफ, वो कितना हो जाते हैं 3/4 मतलब 75 हो जाते हैं। उसमें प्लस और माइनस मतलब कम ज़्यादा आधा भी कर सकते हैं आप, मतलब इधर पूरा एक भी कर सकते आधा भी रख सकते, ऐसे पूरा ये एक तक भी जा सकते हैं आप, प्लस किया तो माइनस किया तो इधर तक आ गए ना आप, तो ये हो गया सॉरी हाफ ना, हाफ बोले तो अभी इधर तक आप आ गए, तो इसका हाफ मतलब इधर तक जाएंगे आप, प्लस में माइनस में उल्टा इधर तक जाएंगे, ऐसी वो वैल्यू है। फिर है स्टार सिटी,
ये जो सब है ना वो उस वीडियो में अच्छे से सिंपलीफाई करके बताया गया है, इसलिए मैं अभी ज़्यादा इसके ऊपर नहीं बोल सकता। आप जाके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे चेक करके देख सकते हैं। ओके, अभी सिर्फ आप वैल्यू देखिए इसका क्या क्या है, कौन से मॉडल को आइडलिंग का उसका सेटिंग क्या है। स्टार सिटी 1300 और 1500 के बीच इसको रखने का है, इसका 3x4। टीवीएस को स्पोर्ट्स 1300 और 1500 दो तक रखने का है। उसके बाद है टीवीएस विगो, टीवीएस विगो का है 1500 और 1700 है, यहाँ पे 1500 और 1700 ये देख लो। टीवीएस विगो का है वैल्यू है, उसका टर्निंग करने का है 3x4। उसके बाद है जुपिटर, वीगो का जो नया मॉडल है इसको रिफ्रेश भी बोलते हैं अपन, 1600 या 1700 का उसका आइडलिंग RPM 3x4 प्लस और माइनस 1/4। उसके बाद है स्कूटी पेप स्ट्रिक, 1300 और 1500 इधर है। स्कूटी पेप जो है अब शायद अभी बंद हो चुका है मॉडल, है ये चालू है नहीं, स्ट्रिक का बंद हो चुका है ये चालू है। स्कूटी पेप और स्ट्रिक 1300 और 1500 के है, आइडलिंग है RPM है इसका और 1/4। उसके बाद एक्सेल सुपर HD 1500 और 1700 के, उसका आइडलिंग RPM है और 1.5 उसका मतलब हाँ डेढ़, ये डेढ़ है पूरा एक टर्निंग करके, यहाँ पे 0.5। तो अभी देखो अभी ये सब वैल्यू निकालने में बहुत एफर्ट लगते हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को देख देख के लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। और इससे भी जो फोर कॉइल है, फिर फोर कॉइल हो हाँ फोर कॉइल और टैपेज सेटिंग के ऊपर भी एक वीडियो डाला है सेम ऐसे, वो भी आप देख लेना। अब ये देखो एक बार फिर से पूरा टेबल, और इसके डिस्क्रिप्शन में जो है प्लीज चेक डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।